गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज। देखते हैं स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हम किसकी प्रॉपर्टीज, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, कोलाइड की प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन। तो इन तीनों की हम प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज हम कंपेयर करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लेती हूँ ट्रू सॉल्यूशन। वो क्या है ट्रू सॉल्यूशन? ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। चलो वन बाय वन इकट्ठा मैं सोच रही थी तीनों का कंपेयर करके दिखा सकते, लेकिन वन बाय वन कर लेते हैं। सो ट्रू सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो दिखने में कैसे, एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस। क्या ये ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस? होमोजीनियस, ठीक है। नंबर टू देखो, ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं? नंबर वन है होमोजीनियस। दूसरा पॉइंट है इनके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मानो मैंने वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया, तो वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बना वो ट्रू सॉल्यूशन है। अब इसका एक ही फेस दिख रहा है, कोई अलग फेस नहीं दिख रही है, यूनिफॉर्मली पूरा मिक्सचर स्प्रेड है, तो ये कौन सा हो गया? होमोजीनियस। अब इसमें आप देखोगे इनके क्या है, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनको नेट डाल से नहीं दे सकते। सो दिस द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल है? लेस देन वन नैनोमीटर, लेस देन वन नैनोमीटर, ठीक है, एक नैनोमीटर से ये छोटा है। सो वी कैन नॉट सी दीज पार्टिकल्स विथ अवर नेक डाई से, नॉट सी विथ नेक डाइस। क्या हो गया? नेक डाइस से हम इसको नहीं देख सकते। तीसरा है, जब हम उसे बीम ऑफ लाइट इन पार्टिकल्स से को जब हम बीम ऑफ लाइट, अगर हम लाइट इसके ऊपर जैसे टॉर्च की लाइट इसके ऊपर मारेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को क्या स्कैटर नहीं करेगा, उस लाइट को बिखेरेगा नहीं। सो यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। मान लो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर टॉर्च मारी मैंने, तो इसके अंदर इस टॉर्च का लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देगा। सो उस जो लाइट पाथ का दिखाई नहीं देगा उसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। सो डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ओके। फोर्थ पॉइंट, अगर इन पार्टिकल्स को, मान लो मैंने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया, सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके सॉल्यूशन बन गया होमोजीनियस। अब जैसे मैंने पार्ट को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनाया, तो इनको आप कितनी भी देर तक अनडिस्टर्ब करें, छोड़े रखो उस टेस्ट में, जैसे मैंने कल दिखाया था पिछली वीडियो में भी, तो उसको आप कितनी देर तक भी उस टेस्ट को छोड़ के रखोगे, वो क्या रहेगा? पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ट्रू सॉल्यूशन है ये क्या है? स्टेबल। सो दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये सॉल्यूशन कैसा है? स्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज है बेटा, अगर आप दूसरी चीज देखते हो, मान लो मैं इसको फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करती हूँ, क्या मिला दिया मैंने? वाटर और सॉल्ट मिला रखा है, सॉल्यूशन बना दिया। अब वाटर जैसे ही, वाटर के अंदर जैसे ही मैं सॉल्ट मिलाऊंगी वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद अगर खाली मैं फिल्टर पेपर से सॉल्ट को अलग और पानी को अलग करना चाहूंगी तो वो सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? We cannot separate this solution by the method of filtration. So, by filtration, F-I-L-T-E-R-A-T, filtration, we cannot separate this solution. This time, not visible. Okay, मैं ऊपर ले लेती हूँ। So
यहाँ पे ये लाइन दिख नहीं रही है स्टूडेंट्स, मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ, इट इज विजिबल ना, स्टेबल। सो लास्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर लिख दो। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट क्या है, बाय फिल्ट्रेशन मेथड विजिबल, बाय फिल्ट्रेशन मेथड वी कैन नॉट सेपरेट दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बाय फिल्ट्रेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या हो गया, जो कम मात्रा में, जैसे नमक हो गया। ज्यादा मात्रा में क्या हो गया, पानी। तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। दोनों मिला के क्या बन गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उसको फिल्ट्रेशन मेथड से मैं सेपरेट नहीं कर सकती। क्लियर हो गया सबको, अब आ जाओ। तो ये सारी लाइनें, पहला कैसा है कि ये किस टाइप का, कैसा होता है इसकी प्रॉपर्टीज, जो ये सॉल्यूशन है होमोजेनियस होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, ये पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटे हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अब आप सबको देख रही हूँ, मेरी आंखों के आगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कोई चीज की मैंने हेल्प नहीं ली, आपको देख रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई पार्टिकल ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं क्या लूंगी, लेंस से देख रही हूँ, माइक्रोस्कोप से देख रही हूँ, तो वो क्या हो गया, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मैं किसी चीज को ले रही हूँ तो वहां पे वो विदाउट नेक्ड आईज, और मैं ऐसे ही आंखों से देख रही हूँ सबको, तो ये क्या हो गई, मेरी नेक्ड आईज, आगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना। सो दूसरा क्या होगा, पार्टिकल्स वेरी स्मॉल है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो इसको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते इनके, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज क्या है, बहुत छोटा है। और तीसरी चीज, पार्टिकल का साइज छोटा है तो वहां से लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर, लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहे। और फिर ये सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल, क्योंकि इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या नीचे सेटल नहीं होते। पार्टिकल नीचे अगर सेटल नहीं होते, जहां पर पूरे मिक्सचर में एज इट इज स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली पूरे स्प्रेड है, तो हम उसको बोलते हैं कैसा है, ये स्टेबल है। ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, स्टेबल, और इसको आप फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा देखो फ्रेंड्स, दैट इज कोलाइडर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कोलाइडर, COLLOIDER, सो कोलाइडर। कई बार स्टूडेंट यहां पे आई लगाना भूल जाते, देख लिया तो। सो कोलाइडर सॉल्यूशन में दिखने में कैसा होता है, होमोजीनियस। कोलाइडर सॉल्यूशन दिखने में कैसा लगता है, होमोजीनियस, बट एक्चुअल में होता कैसा है, हेट्रोजीनियस। कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। इसमें भी क्या होगा, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बट साइज क्या होगा, मोर देन साइज क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से थोड़ा ज्यादा होगा। बट सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, उनसे साइज क्या होगा, छोटा होगा। मतलब अगर और इजी कॉन्सेप्ट बताऊं तो आप ये समझ लो कि कोलाइडर सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से साइज पर बड़ा होगा, और सस्पेंशन वालों से पार्टिकल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। सो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, वेरी स्मॉल, बट साइज क्या होगा, मोर देन 1 नैनोमीटर से थोड़ा बड़ा होगा, और ट्रू सॉल्यूशन से कम। बट इसके भी पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, फिर भी सस्पेंशन वालों से छोटा है साइज, इसलिए इनको भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई। यहाँ पे देखो, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। यहाँ क्या आएगा, एक शो टिंडल इफेक्ट, मतलब क्या है, इसके पार्टिकल का साइज इतना है कि जैसे उन पार्टिकल्स के ऊपर टॉर्च की लाइट लगती है, तो वो पार्टिकल क्या करेंगे, उस लाइट को स्क्रैटर करेंगे, बिखेरेंगे, और हमें उस पाथ, उस सॉल्यूशन के अंदर से जैसी लाइट पास होगी, तो
तो वहां पे लाइट का पाथ हमें क्या होगा, विजिबल होगा। तो अगर पाथ, लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है तो उसको बोलते हैं टिंडर इफेक्ट। सो ये हमेशा सॉल्यूशन क्या है, टिंडर इफेक्ट शो करता है। और सेम ये भी सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। और ये सेम इसको भी हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। किससे, फिल्टर पेपर से, यानी आप कह सकते हो बस फिल्ट्रेशन मेथड से, खाली छान के किसी चीज को आपने छान लिया किसी चीज से तो वो क्या है, फिल्ट्रेशन होता है, तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, सस्पेंशन। नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्या होगा, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन भी कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कौन सा होगा, जिसमें आपको अलग अलग, एक ही अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें आपको एक से अधिक फेसेस दिखाई देंगे, पूरा एक जैसा दिखाई नहीं देगा। जैसे पेट के अंदर नमकीन पड़ी है तो नमकीन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहीं पे काजू पानी मत लेके रंगों में, कहीं पे आपको काजू, कहीं पे बादाम, कहीं पे मूंगफली, कहीं पे अलग अलग टाइप के डिजाइन की बनी और वो भी काफी चीज होती, तो वो सारा क्या एक जैसा नजर नहीं आ रहा ना, तो उसको हमने क्या कहा, सर क्या कहा, हेट्रोजीनियस। तो ऐसे सॉल्यूशन भी, ये तो सॉलिड का एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर सॉल्यूशन भी लोगे आप मिट्टी और पानी को मिक्स करोगे तो वो जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। यहां पे क्या होगा, पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, लार्ज, और पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, यहां पे पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज एंड वी कैन सी विथ नेक्ड आईज। और हम उस चीज को, सो पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज एंड वी कैन सी दीज पार्टिकल्स विथ नेक्ड आईज। इन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आईज से देख सकते हैं। और ये क्या है, टिंडर इफेक्ट नहीं शो करेगा, लेकिन शो कब करता है, नहीं करता है, ये दोनों ऑप्शन है इसमें, सुन लो ध्यान से। जब हमने मिट्टी और पानी को मिला दिया, ठीक है, पूरे मिक्स है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब आप टॉर्च की लाइट उसमें मारोगे तो वहां पे आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा, लाइट का पाथ विजिबल होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ देते हो, सोल्यूशन को छोड़ देते हो, तो टेस्ट में आप देखोगे मिट्टी नीचे जम गई और पानी क्या है, ऊपर है। तो यहां पे ये सॉल्यूशन क्या है, अनस्टेबल है। तो जैसे ही वो सॉल्यूशन अनस्टेबल होगा, आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल सेटल डाउन, तो अब जब सेटल हो गया तब टॉर्च की लाइट इसके अंदर से जाएगी, तब यहां पे पाथ विजिबल नहीं होगा, तब ये टिंडर इफेक्ट शो नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो हमें मालूम है कुछ ही सेकंड के बाद ये क्या होता है, फटाफट सेटल हो जाता है। तो सेटल होते ही इसका मतलब यहां पर इट डू नॉट शो, डू नॉट शो टिंडर इफेक्ट। शो कब करता है, जब ये स्टेबल हो। देखिए जैसे ये अनस्टेबल हो जाएगा तो ये शो नहीं करेगा। अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, कि पार्टिकल नीचे सेटल हो गए। ओके, अब आ जाओ, ये सॉल्यूशन कैसा है, अनस्टेबल। दिस सॉल्यूशन इज, यहां पर लगा दिया हमने अन, तो ये हो गया अनस्टेबल। और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सो बाय फिल्ट्रेशन मेथड वी कैन, नॉट हटा दो इसमें से, सो वी कैन सेपरेट दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हम फिल्ट्रेशन मेथड में यूज करके क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। आई होप अब ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया है। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, होमोजीनियस होता है, एक बार फिर से क्विक रिविजन करनी है तो सुन लो फटाफट, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा था, कोलाइडर। तीसरा कौन सा था, सस्पेंशन। तो क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सॉल्यूशन कैसा आता है, होमोजीनियस। ये कैसा आता है, इट्स लुक, इट्स अपीयर्स होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। और ये होता है हमेशा हेट्रोजीनियस,
दूसरा इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, सो वी कैनॉट सी द पार्टिकल्स विद अवर नेक्ड आइज। हेयर ऑल्सो वी कैनॉट सी द पार्टिकल्स विद अवर नेक्ड आइज, बट यहाँ पे हम पार्टिकल्स का साइज लार्जर है, दैट्स वाई वी कैन सी द पार्टिकल्स विद नेक्ड आइज। यहाँ पे इसमें जो ये मिक्सचर जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, स्टेबल। दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल, दिस इज ऑल्सो स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। ये कैसा है, अनस्टेबल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, और कौन सा पॉइंट रह गया, हाँ फिल्ट्रेशन मेथड, इसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट दिस सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड, सेम दिस इस सॉल्यूशन को भी हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें दोनों कंडीशन है, तो ज्यादातर इसमें हम क्या लिखते हैं, वैसे नो ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दो मिनट के बाद जस्ट फ्यू सेकंड के अंदर ही वो स्टेट सेटल हो जाता है, तो यहां पे भी क्या होगा, नो। तो ये कोई प्रिविजन होगी, अब इसके बाद कर लेना। अब देखो फ्रेंड, इस ट्रू सॉल्यूशन के कोई टाइप्स नहीं है, सस्पेंशन के भी कोई टाइप्स नहीं है, और नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग इसके भी बहुत सारे क्या दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एरोसोल, ठीक है, एरोसोल हो गया, फोम, जेल, इमल्शन, ठीक है, इमल्शन, सो ऐसे ही सॉल्यूशन, सॉल, ठीक है, एक आ गया सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल, ठीक है। सो इस टाइप से ये इसके कोई टाइप्स नहीं है, इसके कोई टाइप्स नहीं है, आपके बुक में कोई डिस्कशन नहीं है, इसके भी कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन इसके फर्दर टाइप्स डिस्कस कर रखे हैं आपके बुक में। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा, कौन कौन से टाइप्स है, एरोसोल, इमल्शन, फोम, एफ ओ एम, फोम, जेल, सोल, सॉलिड सोल, और भी कोई रह गया, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इसके टाइप्स हो गए। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसमें क्या है, एरोसोल कौन सा हो गया, यहां पे देखो बुक में दे रखा है आपकी कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें देख रखे हैं, तो जहां पे फ्रेंड्स इसके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, देखो इसके एग्जांपल्स अपनी बुक में देखो, डिस्पर्सिंग डिस्पर्स्ड फेस और ये नेक्स्ट डिस्पर्सिंग मीडियम, क्या है ये फेस, ये क्या है डिस्पर्सिंग, आई एन जी लगा रखे हैं, डिस्पर्सिंग क्या है मीडियम। अब मैंने आपको बताया था सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो याद रखो जो चीज कम मात्रा में होती है जैसे सॉल्वेंट की तरह से ही होगी, ओके, ये क्या हो गया सॉल्यूट, और आप इसको मान के चलो, देखो ये इसको हम सॉल्यूट नहीं बोलते, लेकिन यहां पर मैं ये बता रही हूं कि जो कम मात्रा में होता है ना, किसी मान लो मैं पानी के अंदर सॉल्ट दो चुटकी क्या डाला है, सॉल्ट डाला है, वन स्पून सॉल्ट डाला है या हाफ स्पून सॉल्ट डाला है, तो वाटर मेरे पास ज्यादा मात्रा में था, तो जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो आप इसको सॉल्वेंट से मेक करके याद रखो, सॉल्वेंट, और इन दोनों के मिक्सचर अगर ये होगा कि सॉल्यूट कम मात्रा में ये ज्यादा मात्रा में, तो वहां पे वो चीज ये बन जाएगी। जैसे हमने देख रखा है, अब बाहर क्या सर्दियों का मौसम है, बाहर बूंद है ना, फॉग है, तो फॉग क्या है स्टूडेंट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब क्या है, ये एरोसोल के एग्जांपल है।
अब एरोसॉल के एग्जांपल कैसे होंगे, तो मतलब एरोसॉल कौन से होंगे जिसमें ज्यादा मात्रा में क्या होगी गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा गैस, और डिस्पर्स फेस क्या होगा यहाँ पे दैट इज लिक्विड। तो आपने देखा होगा एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एरोसोल, क्या बोलेंगे उसको हम एरोसोल। तो इसी टाइप से ये सारे कि ज्यादा मात्रा में क्या है ये हमें लर्न करने पड़ेंगे, एरोसोल कौन से है, इमल्शन किसको बोलते हैं, फोम किसको बोलते हैं, जैसे लिक्विड लिक्विड के अंदर आ गया, या सॉलिड के अंदर गैसियस है, या सॉलिड के अंदर सॉलिड है, या सॉलिड के अंदर लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो उसी टाइप से ये सारे हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया एरोसोल। दूसरी चीज देखो एयर के अंदर एरोसोल का एक और भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया फॉग, फॉग किसका एग्जाम्पल बताया मैंने कि गैस के अंदर हवा के अंदर वाटर के लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स है, तो इसको हमने क्या कहा एरोसोल। दूसरा देखो गैस के एरोसोल का एक और एग्जाम्पल, गैस के अंदर गैस क्या हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, ज्यादा मात्रा में क्या है गैस है या एयर है, और उसके अंदर जैसे आपकी गाड़ियां जा रही है, फैक्ट्री वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट का मतलब यानी जो धुआं निकलता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट समझते ना, ऑटोमोबाइल से जो रिलीज हो रहा है तो धुआं निकलता है, तो वहां पे क्या है सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वहां पे क्या है हवा के अंदर, इसमें तो एयर के अंदर लिक्विड था, यहाँ पे एयर के अंदर क्या था लिक्विड था, यहाँ पे एयर के अंदर क्या है सॉलिड है। अपनी बुक में देखो एयर के अंदर क्या है यहाँ पे सॉलिड है, तो जहां एयर के अंदर सॉलिड हो एयर है डिस्पर्सिंग फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो सॉलिड है, जो सॉलिड है धूल के पार्टिकल्स, हवा के अंदर धूल के पार्टिकल्स है या स्मोक के पार्टिकल्स है, तो वो क्या होगा वो भी एरोसोल होगा, लेकिन वहां पे एरोसोल कौन सा हो गया लिक्विड गैस के अंदर सॉलिड या एयर के अंदर सॉलिड, और यहां पे एरोसोल जो ये फॉग है यहां पे क्या हो गया गैस के अंदर लिक्विड। समझ आ गया, गैस के अंदर लिक्विड है तो फॉग एग्जांपल हो गया। अगर गैस के अंदर क्या चीज दे रखी है हवा के अंदर अगर मानो धूल के कण है, तो धूल के कण क्या है सॉलिड है, तो वो किसके एग्जांपल हो गए वो भी एरोसोल के, लेकिन वहां पे डिस्पर्स फेस सॉलिड आ गया, ठीक है, डिस्पर्स फेस क्या आ गया सॉलिड आ गया। समझ आ गया सबको, तो इसी तरीके से ये सारे दे रखे एरोसोल। नेक्स्ट देखो फोम, फोम क्या है लिक्विड के अंदर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यस चौथी क्लास में तो शेविंग क्रीम जो है शेविंग क्रीम ये किसका एग्जांपल है जेल, किसका शेविंग क्रीम देखो किसका एग्जांपल है ये फोम। तो कोलाइडर का कौन सा टाइप हो गया कोलाइडर का फोम है, कौन सा टाइप है फोम, और इसमें डिस्पर्स फेस क्या है, क्या है इसके अंदर डिस्पर्स फेस गैस, गैस और डिस्पर्स सॉरी डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम तो हो गया यहाँ पे लिक्विड, और डिस्पर्स फेस क्या आ गया यहाँ पे गैस, गैस। सो लिक्विड के अंदर अगर गैस होगी, लिक्विड के अंदर डिस्पर्स ये चीज ज्यादा मात्रा में हमारे पास लिक्विड है, कम मात्रा में क्या है गैस है, तो डिस्पर्स फेस हो गया गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया लिक्विड, तो वो जहां पे लिक्विड ज्यादा मात्रा में हो गैस कम मात्रा में हो वो कौन सा टाइप आ गया कोलाइडर का फोम। और फोम को एग्जांपल अगर देखें फोम आप डे टू डे में कौन सा ऐसा मैटर जो फोम है दैट इज कॉल्ड शेविंग क्रीम। तो शेविंग क्रीम जैसे इमल्शन हमने देखा एरोसोल हमने देखा था क्लाउड मिस्ट फोग देखा था हमने, तो इसी तरीके से शेविंग क्रीम यहाँ पे क्या आ गया फोग। समझ आएगा सबको, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम।
नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे देखो जो आपका दे रखा है इमल्शन, नेक्स्ट कौन सा है इमल्शन, नेक्स्ट टाइप मीन्स इमल्शन। इमल्शन के अंदर देखो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम दैट इज लिक्विड, यहां पे देखो इमल्शन, इमल्शन क्या हो गया कोलाइड की टाइप आ गई। तो इस टाइप में देखो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है दैट इज लिक्विड, यहां पे ज्यादा मात्रा में जो चीज होगी वो क्या होगी लिक्विड, और उसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है लिक्विड। अब यहां पे दोनों लिक्विड है तो कोई ऐसा एग्जांपल जैसे मिल्क देखो, मिल्क क्या है लिक्विड है, और इसके अंदर मिल्क के अंदर अगर आप वाटर भी देखोगे तो वाटर भी क्या है लिक्विड है। ये ऐसा नहीं है कि वाटर पानी हमने मिला दिया ऑटोमेटिकली वाटर के अंदर भी क्या होता है सॉरी ऑटोमेटिकली मिल्क के अंदर भी क्या होता है वाटर होता ही होता है, ये नहीं कि हमने दूध में पानी मिला रहे नो, हाँ उसके अंदर फैट भी है प्रोटीन भी है ठीक है, लेकिन मिल्क किसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे दैट इज इमल्शन, मिल्क क्या है इमल्शन। यहाँ पे मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर अदर कंपोनेंट्स है वो किस फॉर्म में है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इसी तरीके से ये सारे आप इसके करते हो एग्जाम्पल्स बिल्कुल इजी है। तो हमारे चारों तरफ ये सारी चीजें जिसकी टाइप्स बनी हुई है तो ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। सो आई होप ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। तो फोम इमल्शन एरोसोल्स हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसी तरीके से सोल, सोल और देखते हैं फटाफट सोल है, तो सोल के अंदर क्या होगा डिस्पर्स्ड फेस सॉरी डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होना चाहिए लिक्विड और फेस सॉलिड ठीक है। कोई एग्जांपल ओवर टेल मी द एग्जांपल, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH का मोल प्राइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका एग्जांपल है सोल का एग्जांपल है, इसमें लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम होगा और फेस क्या होगा डिस्पर्स्ड फेस वो क्या होगा इसमें सॉलिड। तो यहाँ पे जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बनाते हैं ना मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये वो मेडिसिन होती है, इसको हम बोलते हैं एंट एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम एंट एसिड, एंट एसिड का मतलब क्या हो गया ये एक प्रकार की बेस है, जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा रिलीज होने लगता है तो हमारी बॉडी में स्टमक में क्या हो जाता है एसिडिटी बन जाती है, तो एसिडिटी मतलब क्या बन गया एक तरह से बोल दो एसिड बन गई, तो एसिड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे उसमें बेस डालेंगे ताकि वो उसका इफेक्ट को क्या कर दे न्यूट्रलाइज कर दे, क्या कर दे उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना है इसमें लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड मिक्स किया हुआ है ओके। तो यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आई होप ये इसके टाइप्स आपको क्लियर हो गए, एक या दो रहते हैं वो इजी है बेटा कर लेना खुद ठीक है। सो मुझे अपनी वीडियो के अंदर लास्ट में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ करना है, आज का क्वेश्चन है हमारा तो मुझे बताना एरोसोल एरोसोल ये क्या है कोलाइड का एक टाइप है, इसका मुझे एक एग्जांपल बताना, यू हैव टू गिव योर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसा एग्जांपल है जो आप बोल सकते हो कि दिस इज एरोसोल, सो यू हैव टू टेल योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।